हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के आने वाले ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जिनके कंप्लीट होने के बाद शायद भारत की पूरी तरह से तस्वीर बदल जाएगी। इन प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद भारत की जीडीपी में बड़ा बदलाव आएगा और इन प्रोजेक्ट के बाद भारत का पूरे वर्ल्ड के साथ एक कनेक्शन बन जाएगा और इससे देश के निर्यात व्यापार में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। इनमें पहले नंबर पर आता है सागरमाला प्रोजेक्ट। सकल घरेलू उत्पादों में जहां रेलवे की हिस्सेदारी 9%, सड़क की 6% तो बंदरगाहों के पास 1% हिस्सा है। वर्तमान समय में भारतीय बंदरगाह लगभग पूरे भारत के व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा संभालते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और बंदरगाहों के विकास के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसकी शुरुआत सन 2017 में हुई थी। इस परियोजना को सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 15 अगस्त 2003 को प्रस्तुत किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 8 राज्यों में आने वाले सभी पोर्ट को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देना है। इन 8 राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल भी शामिल है। अभी वर्तमान समय में अकेले हिंद महासागर से दुनिया के तेल के व्यापार का लगभग 2/3 हिस्सा संचालित किया जाता है और कंटेनर द्वारा तकरीबन 50% व्यापार हिंद महासागर द्वारा होता है और आने वाले दिनों में इसके बढ़ने की संभावना है। तो इसी सभी को देखते हुए भारत सरकार ने ये सागरमाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। सागरमाला प्रोजेक्ट की वजह से भारत के लॉजिस्टिक लागत में लगभग 3,500 करोड़ रुपए की सालाना बचत होगी और इसी के साथ भारत का निर्यात व्यापार लगभग 110 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचने की संभावना है। इस परियोजना से लगभग भारत के 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरे नंबर पर आता है ढोलेरा स्मार्ट सिटी। 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ ढोलेरा इंडिया की पहली स्मार्ट सिटी बनने वाली है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात में स्थित है, जो कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लगभग 133 किलोमीटर दूर और राजकोट से लगभग 172 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भारत के स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का ही एक हिस्सा है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इस प्रोजेक्ट से भारत के विकास में बहुत तेजी आएगी। ढोलेरा एक पूरी तरह से स्मार्ट सिटी होने वाला है, जिसके अंदर आपको स्मार्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट रोड, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंटरनेट कनेक्टिविटी सिस्टम, वायरलेस सेंसर सिस्टम और ऐसी कई प्रकार की सुविधाएं आपको मिलेगी। ढोलेरा स्मार्ट सिटी को 990 स्क्वायर किलोमीटर में बनाया जा रहा है और ढोलेरा में एक विशेष रूप से ABCD बिल्डिंग बनाई जा रही है। ABCD मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ ढोलेरा सिटी। इसे ढोलेरा सिटी का मस्तक भी कहा जाता है। यह बिल्डिंग पूरी तरह वायरलेस सेंसर के जरिए पूरी ढोलेरा सिटी से जुड़ी हुई है। किसी भी कंपनी या इन्वेस्टर को यह काम शुरू करने के लिए अथवा किसी भी प्रकार की कोई जानकारी के लिए एक ही बिल्डिंग के एक ही दफ्तर यानी ABCD की बिल्डिंग में ही जाने की जरूरत होगी। ABCD बिल्डिंग की वजह से लोगों का टाइम बचेगा और सारे काम सिर्फ एक ही बिल्डिंग में हो जाएंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। कॉरिडोर का निर्माण 2017 के अंत में शुरू हुआ था और 2023 में इसको पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना की लागत अनुमान से लगभग 1,08,000 करोड़ रुपये आई है। यह परियोजना भारत और जापान के सहयोग के साथ पूरी की जाएगी और इसमें जापान लगभग 9,800 करोड़ रुपए निवेश भी करेगा और इसकी बाकी लागत गुजरात और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी। कॉरिडोर में उपयोग किए जाने वाले सारे सामान में से लगभग 20% सामान जापान की तरफ से आएगा। इस परियोजना के बाद हर एक ट्रेन में लगभग 1300 से 1600 यात्रियों के बीच की क्षमता होगी और इस सबको लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाने के लिए डिजाइन किया जाएगा, जबकि इसकी परिचालन गति 320 किलोमीटर होगी। इस ट्रेन का किराया आम किराए से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा होगा, परंतु इसकी स्पीड से लोगों का काफ़ी टाइम बचेगा और ये भारत के विकास में एक अहम प्रोजेक्ट होगा। इसके बाद आता है 5G इन इंडिया। 5G इंडिया में पहले से ही आ चुका है और एक केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 5G डिजिटल इंडिया का प्रवेश द्वार है। दूर संचार क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा उपयोग किए गए सुधारों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि दूर संचार एक सूर्योदय उद्योग के रूप में उभर रहा है। 5G भी 2022 में कई राज्यों में लॉन्च भी हुआ है। इसके ऊपर रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने एक कार्यक्रम में कहा कि मेरे विचार से यह एक मूलभूत तकनीक है जो AI, OTT, ब्लॉकचेन और मेटावर्स जैसी तकनीक को भारत में पूरी तरह से अनलॉक कर देगी
और 5G के आने के बाद भारत के विकास में बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी। और 5G के लिए आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष मंगलम बिरला ने कहा कि 5G सेवाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ाएगा और स्मार्ट शहर, स्मार्ट ऑटोमेशन, स्मार्ट घरों और नए नए प्रकार के इससे लोगों को बिजनेस मिलेंगे। इसके बाद आता है न्यू पंबन ब्रिज। रामेश्वर में बन रहा यह पहला वर्टिकल सी ब्रिज होगा। देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का निर्माण जोरों शोरों से जारी है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में यह पुल जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। यह ब्रिज रामेश्वर को तमिलनाडु से जोड़ेगा। मार्च 2019 में पीएम मोदी ने इस परियोजना की आधारशिला कन्याकुमारी में रखी थी और नवंबर 2019 में पंबन ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ था। मार्च 2023 तक इसका निर्माण पूरा होने की संभावना है। यह पुल लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा होगा और पुराने पुल की तुलना में लगभग यह पुल 3 मीटर और ऊंचा होगा और समुद्र तल से 12 मीटर की ऊंचाई पर होगा। नए पंबन ब्रिज का विकास रेलवे विकास निगम लिमिटेड द्वारा पुराने पुल के समानांतरण किया जा रहा है। हर साल लाखों तीर्थयात्री रामेश्वर से रामानाथ स्वामी के मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। नया पंबन ब्रिज रामेश्वर के बीच रेल यातायात को बढ़ाएगा। इस ब्रिज निर्माण में न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह पुल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम से ऑपरेट होगा। ट्रेन के कंट्रोल सिस्टम से इसे इंटरलिंक किया जाएगा ताकि कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आए। पुराने पुल से 10 किलोमीटर की रफ्तार में जहां पर ट्रेन गुजरती थी, वही अब नए पुल से लगभग 80 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन दौड़ सकेगी। नए पुल इलेक्ट्रिक रेलवे के लिए सुसज्जित होगा और डबल लाइन होगा। इस पुल की लागत में लगभग 560 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इन भारत के आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानकर? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।